यूक्रेन से कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनमें हमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन की मिस यूक्रेन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिविलियंस और सोसाइटी के कई सारे लोगों ने अपनी मातृभूमि यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए हथियार उठा लिए हैं और रशियन ट्रूप्स के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आई थी कि यूक्रेन सेना ने कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने यूक्रेन के पक्ष में वोट नहीं दिया था। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर विश्वास बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया के ऊपर लेफ्ट और राइट विंग द्वारा अपना प्रोपेगेंडा चमकाने के लिए कई सारी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। छोटे से इंसिडेंट को बहुत ही बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना के ऊपर भी आज की डेट में काफी ज्यादा दबाव है। उनके सोल्जर्स काफी स्ट्रेस में हैं, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बल्कि कई सारे देशों के लाखों स्टूडेंट्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के खुद के लाखों नागरिक हैं जो बॉर्डर्स क्रॉस करके दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो इंडियन स्टूडेंट्स बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, वो ये समझ लें कि वो कम से कम अब सेफ हैं। इसलिए यूक्रेन की सेना के ऊपर गुस्सा ना निकालें, उनके खुद के देश के ऊपर हमला हो रहा है। उनकी फैमिलीज यूक्रेन के किसी दूसरे शहर में फंसी होंगी, बीवी बच्चे होंगे, उनके माता पिता का क्या हाल होगा। खुद को उनकी कंडीशन में रखकर देखें, उसके बाद आरोप लगाएं। और एक छोटे से इंसिडेंट या फिर एक व्यक्ति के कारण पूरे यूक्रेन या यूक्रेन की सेना को डिफेम ना करें। दूसरी बात, जो यूक्रेन की राजधानी कीव और ईस्टर्न यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी कई सारी वीडियो सामने आ रही हैं, जिनमें वो मोदी गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट उनको एयरलिफ्ट करने के लिए यूक्रेन के अंदर कोई इंडियन एयरफोर्स का मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं भेज रही है, या फिर इंडियन एम्बेसी से रिस्पांस नहीं आ रहा है, या फिर हेल्पलाइन नंबर से कोई मदद नहीं मिल रही है। उन सभी स्टूडेंट्स को हम अपने चैनल की तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब शुक्र मनाओ कि आप अमेरिका या ब्रिटेन के नागरिक नहीं है, बल्कि इंडिया के नागरिक हो, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जो इतने डेवलप्ड और सुपर पावर देश हैं, इन दोनों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हम अपने देश के नागरिकों को यूक्रेन से किसी भी हाल में नहीं निकाल सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से जो भी बन पा रहा है वो सब कुछ किया जा रहा है। यूक्रेन एक सवर्न कंट्री है, वहाँ पर अपनी सेना भेजकर मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना ये कोई मजाक नहीं है। कुछ नियम कायदे होते हैं, वहाँ पर दो देशों की सेनाएं आपस में युद्ध लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, हवा में फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हुए पड़े हैं। यूक्रेन की एयर स्पेस के ऊपर नो फ्लाई जोन है। इनकेस भारतीय सरकार ने इवैक्यूएशन के लिए इंडियन एयरफोर्स का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज भी दिया और ना चाहते हुए भी रशिया या यूक्रेन की किसी मिसाइल ने अगर उसको मार गिराया, तो जो भारतीय सेना के जवानों की जान जाएगी उसका जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए वीडियो में रोने धोने या फिर कंप्लेंट करने के बजाय अपने देश और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास रखें और यूक्रेन की राजधानी कीव या फिर ईस्टर्न पार्ट में जहां भी अंडरग्राउंड बंकर्स या फिर बॉम्ब शेल्टर्स में बैठे हैं, कुछ दिनों तक वहीं इंतजार करें और इस तरह पैनिक करके रो धोकर इंडिया में फैमिलीज को वीडियो ना भेजें। कम से कम अपनी नहीं तो अपनी फैमिली मेंबर्स की फिक्र कर लें, उनका क्या हाल हो रहा होगा वो वीडियोस देखकर। जैसे यूक्रेन की एयर स्पेस इवैक्यूएशन ऑपरेशन करने के लिए सेफ होगी, हम गारंटी देकर कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन के कोने कोने से अपने स्टूडेंट्स को वापस ले आएगी। तब तक साथ वाले देशों की मदद से ही इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। इसके साथ ही यूक्रेन की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद हैं, जिनका नाम है इना सोवसन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और एम्बेसडर के बाद अब इना सोवसन ने भारत से मदद की गुहार लगाते हुए लोकतंत्र की दुहाई दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक इना सोवसन ने इंडिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि मैं सारी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझती हूं, लेकिन इंडिया को एक महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते लोकतांत्रिक देशों को ही समर्थन देना चाहिए, यानी भारत को, रशिया को नहीं, यूक्रेन को सपोर्ट देना चाहिए। सभी लोकतांत्रिक देशों को लोकतांत्रिक मूल्यों यानी कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, उसके लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन भी एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। वैसे अगर इना सोवसन सच में अगर जियोपॉलिटिक्स समझती और इंडिया की कंडीशन समझती, तो वो लोकतंत्र की बात तो यहाँ पर करती नहीं। भारत के लिए रशिया का साथ देना अपनी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी भी है। लेकिन खैर, आप किसके सपोर्ट में हैं, यूक्रेन या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।